पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतकर बड़ी सफलता हासिल करने वाले बीजेपी ने टीएमसी को एक और करारा झटका दिया है। बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के दो विधायक और करीब 50 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में इन नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। 2017 में बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के पूर्व दिग्गज नेता मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय समेत विधायक पार्टी में शामिल हुए हैं। शुभ्रांशु रॉय बाजपुर से विधायक हैं। उनके अलावा विष्णुपुर से टीएमसी विधायक तुषार कांति भट्टाचार्य, हेमताबाद से सीपीएम विधायक देवेंद्र रॉय ने भी भाजपा की सदस्यता ली है। मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु को टीएमसी पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पहले ही सस्पेंड कर चुकी है। वहीं 50 पार्षदों के भी भाजपा में शामिल होने के बाद प्रदेश की 3 नगर पालिकाओं पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया। इनमें काचरापारा म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सहित 17 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा 2 अन्य नगर पालिकाओं पर भी बीजेपी ने कब्जा जमाया है। अब पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी की ओर को और झटका देने की बात कही है। विजयवर्गीय ने कहा कि ये अभी पहला चरण ही है। जिस तरह से चुनाव 7 चरणों में हुए थे, उसी तरह 7 राउंड में बीजेपी में भी नेताओं को शामिल किया जाएगा। इधर टीएमसी ने भी पार्टी से नाराज विधायकों और नेताओं की मान मनुहार शुरू कर दी है। सौभाग्य का बात है कि आज बंगाल के बहुत से हमारे नेता हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं।